हेलो गाइस, रिदम लॉ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। बिहार पीसीएसजे और एपीओ दोनों एग्ज़ाम्स के लिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे शहरों और देशों की, किस नाम से जाने जाते हैं, और कंट्रीज़ के बॉर्डर लाइन की। फर्स्ट है आज का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। पहले इंडिया के शहर देखते हैं और ये कहा जाता है अहमदाबाद को। नेक्स्ट है पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया, जमशेदपुर को कहा जाता है। फ्रेंड्स, दोनों इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हार्ट ऑफ इंडिया, दिल्ली को कहा जाता है। साउदर्न गंगा, ये कहा जाता है रिवर गोदावरी को। पेरिस ऑफ ईस्ट, जयपुर को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक बार से याद नहीं होता है, रिविज़न करते रहिएगा, रिविज़न ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। गाइस, रिविज़न ही है जो आपको सिलेक्शन दिला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ऑफ ईस्ट जयपुर है, गेटवे ऑफ राजस्थान है भरतपुर, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, कानपुर को कहा जाता है। मिनी स्विट्ज़रलैंड, ये कहा जाता है खोजियार को, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है ट्विन सिटी, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, जुड़वा शहर, पहले भी पूछा जा चुका है, हैदराबाद और सिकंदराबाद। नेक्स्ट है बैकबोन ऑफ इकोनॉमी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, जो उत्तरी भारत है उसकी इकोनॉमी के बैकबोन, ये कहा जाता है रिवर गंगा को। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण का कश्मीर, साउथ का कश्मीर, केरल को कहा जाता है। पेरिस ऑफ इंडिया, जयपुर को कहा जाता है। इम्पॉर्टेंट है, पिंक सिटी भी जयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट है अबॉड ऑफ गॉड, ये कहा जाता है इलाहाबाद को। नेक्स्ट है सिटी ऑफ फेस्टिवल, त्योहारों का शहर, मदुरई है। नेक्स्ट है पर्ल ऑफ कर्नाटका, ये कहा जाता है मैसूर को। इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये पहले भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है प्राइड ऑफ राजस्थान, और ये है चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट देखते हैं, थर्मोपल्ली ऑफ राजस्थान, हल्दी घाटी को कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है पीसीएस में। नेक्स्ट है बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फलों की टोकरी कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। इम्पॉर्टेंट है, क्वीन ऑफ छोटा नागपुर, झारखंड। नेक्स्ट है सिटी ऑफ टेम्पल्स एंड बैंक्स, घाट से आपको याद रखना है वाराणसी। फ्रेंड्स, पूछा जा चुका है ये भी पहले। नेक्स्ट देखते हैं, सिटी ऑफ गोल्डन टेम्पल, पता ही होगा स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, इसलिए अमृतसर को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स, ये नीलगिरी हिल्स को कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई है। सिटी ऑफ पैलेसेस, महलों का शहर, कोलकाता है। फ्रेंड्स, ये पहले भी पूछा जा चुका है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, ये है केरल। नेक्स्ट देखते हैं, डायमंड हार्बर कहा जाता है कोलकाता को। फ्रेंड्स, ये पहले भी पूछा जा चुका है, और ये स्पाइस गार्डन भी याद रखिए, पूछा जा चुका है बहुत बार, मसाले के लिए केरल फेमस है। नेक्स्ट है सिटी ऑफ लेक्स, ये श्रीनगर है। सौरो ऑफ बिहार, फ्रेंड्स ये पूछा जा चुका है, और ये है रिवर कोसी, कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। नेक्स्ट है हॉलीवुड ऑफ इंडिया, और ये है मुंबई। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की रानी, मसूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, ये पंजाब को कहा जाता है, फाइव रिवर्स। सौरो ऑफ बंगाल, फ्रेंड्स याद रखिएगा, दोनों इम्पॉर्टेंट है। अगर बिहार आता है तो कोसी नदी है, और बंगाल आता है तो दामोदर है, इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गार्डन सिटी ऑफ इंडिया, बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ अरेबियन सी, कोचीन को कहा जाता है। पिंक सिटी, अभी हमने बात की थी, जयपुर को कहा जाता है। और स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया, ये है कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, सिटी ऑफ सेवन आइलैंड्स, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, मुंबई को कहा जाता है। सिटी ऑफ नवाब्स, नवाबों का शहर, लखनऊ को कहा जाता है। स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, ये मेघालय को कहा जाता है। स्टील सिटी, जमशेदपुर, इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है चाइल्ड ऑफ सी, इम्पॉर्टेंट है, और ये है लक्षद्वीप। फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इतने ही हैं ये जो इंडिया के हैं। अब हम बात करेंगे कंट्रीज़ की, फ्रेंड्स रिविज़न करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये कहा जाता है प्रेरीज, नॉर्दर्न अमेरिका। सिटी ऑफ सेवन हिल्स, ये रोम को कहा जाता है। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ नाइल,
ये इजिप्ट मिस्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेंड्स बहुत बार पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, और ये है प्लेट्यू ऑफ पामीर। पामीर का पठार को कहा जाता है वर्ल्ड की छत। नेक्स्ट है लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, ये थाईलैंड है। नेक्स्ट है की ऑफ मेडिटेरेनियन, और ये कहा जाता है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स जितने भी इम्पॉर्टेंट आ रहे हैं सभी नोट कर लीजिएगा। एंड गाइस इसका पीडीएफ लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हैं रिदम लॉ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। नेक्स्ट है सिक मैन ऑफ यूरोप, ये कहा जाता है टर्की को। नेक्स्ट है सिटी ऑफ गोल्डन गेट, इम्पॉर्टेंट है, सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है यूएसए। लैंड ऑफ कंगारू, वेरी इजी, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ क्लोव्स, ये इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स याद रखिएगा। नेक्स्ट है लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, ये भूटान को कहा जाता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स, ये फिनलैंड है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मिडनाइट सन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और ये है नॉर्वे। नेक्स्ट है डार्क कॉन्टिनेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड है, और ये है अफ्रीका। नेक्स्ट है एम्पायर सिटी, ये न्यूयॉर्क को कहा जाता है। सेक्रेड आइलैंड, यरूशलेम को कहा जाता है। फ्रेंड्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। नेक्स्ट है लैंड ऑफ राइजिंग सन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड है, ये भी जापान को कहा जाता है। शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड, ये क्यूबा को कहा जाता है। नेक्स्ट है सोरो ऑफ चाइना, अभी हमने बात की थी फ्रेंड्स बिहार के सोरो की, बंगाल के सोरो की, दोनों याद रखिए, और सोरो ऑफ चाइना ये है हुआंगहो। येल्लो रिवर, ये भी हुआंगहो है, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है आइलैंड ऑफ पर्ल्स, ये कहा जाता है बहरीन को। नेक्स्ट है लैंड ऑफ गोल्डन पगोडा। फ्रेंड्स इसके साथ में आपको दो चीज़ें और याद रखनी है, ब्लैक पगोडा अगर आता है तो कोनार्क टेंपल को कहा जाता है, सन टेंपल। अगर आता है सप्त पगोडा तो फ्रेंड्स ये साउथ में है, ममल्लपुरम, ये भी याद रखिए, इंटरव्यू के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और गोल्डन पगोडा, तो आपको तीनों याद रखने हैं, ब्लैक पगोडा, सप्त पगोडा और गोल्डन पगोडा, और ये है म्यांमार। नेक्स्ट है लैंड ऑफ मॉर्निंग काम्स, कोरिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है फ्रेंड्स, मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं बॉर्डर लाइंस की। डूरंड लाइन इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, डूरंड मैकमोहन और रेडक्लिफ, तीनों याद रखिएगा। डूरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, और ये निर्धारित की गई थी सर मोर्टिगर डूरंड के द्वारा, ब्रिटेन के थे ये, फ्रेंड्स याद रखिएगा, इन्हीं के नाम पर डूरंड लाइन है। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन, इम्पॉर्टेंट है ये भी, और ये है इंडिया और चाइना के बीच में। फ्रेंड्स इंडिया और चाइना का रिलेशन का अच्छे से लॉन्ग आंसर पूरा फ्रेम कर लीजिए, एक क्वेश्चन बनना ही है। इंडिया और नेपाल का भी इम्पॉर्टेंट है, और ये डिटरमाइन की गई थी सर मैकमोहन के द्वारा, ब्रिटेन के थे ये भी, थ्रू ए ट्रीडी, एक ट्रीडी हुई थी शिमला कॉन्वेंशन और 1914 में, और ये है 700 माइल्स की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट है रेडक्लिफ लाइन, और ये है बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, रेडक्लिफ लाइन, और ये डिटरमाइन की गई थी सर रेडक्लिफ के द्वारा, और कब की गई थी, 15 अगस्त 1947 को। फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है, इन तीनों से एक क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट है हिंडनबर्ग लाइन, और ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच में, इम्पॉर्टेंट है, और ये डिटरमाइन की गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग। नेक्स्ट है 38 पैरेलल, ये है बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, फ्रेंड्स याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है 49th पैरेलल, ये है यूएसए और कनाडा के बीच में। फ्रेंड्स ये थे आज के क्वेश्चन, तीनों में आपको डिफरेंस याद रखना है, डूरन, मैकमोहन और रेडक्लिफ, ये थे आज के इम्पॉर्टेंट। एंड गाइज रिविज़न करते रहिए अगेन एंड अगेन, रिविज़न ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, करते रहिए, आपको बेनिफिट मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। एंड गाइस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, शेयर विद ऑल।